पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 4 आशा की मित्र मधुमक्खियां। बच्चों अभी आप क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, ये शहद है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं यह शहद कहाँ से आता है, कैसे बनता है? चलिए इस पाठ में हम आशा और उसके मधुमक्खियां पालन की कहानी सुनेंगे। मेरा नाम आशा टूटी है। मैं खूंटी जिले के डारी गुट्टू गांव में रहती हूँ, जो झारखंड में है। आप झारखंड के नक्शे पर खूंटी जिला देख सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। एक दिन मेरे मोहल्ले में स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी आयोजित किया। उससे प्रेरित होकर मेरी माता जी ने मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए, मैं 5वीं कक्षा पार कर गई। इधर घर का खर्चा बढ़ने लगा। मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि स्कूल जाना छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा स्वयं निकाल लेती। गांव में कुछ और भी लड़के थे जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर कोई मेरे पास पढ़ने नहीं आया। कुछ दिनों बाद सारे बच्चे वापस लौट गए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। धीरे धीरे मैंने सभी गांव वालों को प्रेरित किया कि वो सभी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू कर दे। मेरे गांव में बहुत से लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी ये काम कर लूं। तब मैंने मधुमक्खी पालन के एक कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले में से मैं एक अकेली लड़की थी। मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया, लेकिन काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार कर बच्चों को पढ़ाकर 6,000 रुपये बचाए। इन पैसों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। 1 बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मैंने मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छतें साफ करने के लिए दवाइयां खरीदी। दिसंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 और बक्से खरीदे। मुझे हर बक्से में से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा, जिससे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया। मैं अपने गांव की ऐसी पहली लड़की थी जिसने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। अब मेरे पिताजी भी इस काम में मेरा सहयोग करते हैं। अब तक आप सभी आशा को अच्छी तरह जान गए होंगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है पढ़ना क्यों जरूरी है। आइए अब थोड़ा विस्तार से मधुमक्खियों के बारे में जानें। मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहला, रानी मक्खी। हर छत्ते में सिर्फ 1 रानी मक्खी होती है और इनका काम सिर्फ अंडे देना होता है। दूसरा, नर मक्खी या ड्रोन। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है, यह डंक नहीं मारती, बस ये रानी मक्खी को अंडे देने में मदद करता है। काम करने वाली मक्खी या वर्कर बी, ये सभी मादा मक्खी होती हैं। छत्ते में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का डांस या नाच करती है। इस डांस को वेगल डांस कहते हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी इन्हीं मक्खियों का काम है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है,
सिपाही चींटी अपने टीले या बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहने वाले कीट हैं। इस प्रकार आशा की मित्र मधुमक्खियां पाठ से हम सीखते हैं कि पढ़ाई कर लड़कियां मधुमक्खियों की तरह उड़ सकती हैं और अपना जीवन शहद की तरह मीठा बना सकती हैं।